पर हैं। सुनील ने अपनी कॉमिक टाइमिंग की काबिलियत से कॉमेडी जगत में अपना लोहा मनवा दिया है। आज मैं आपको सुनील ग्रोवर की कहानी बताऊंगा। सुनील का जन्म 3 अगस्त 1977 में हरियाणा के एक छोटे से गांव मंडी डबवाली के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। सुनील के पिता का नाम मिस्टर जीएन ग्रोवर है। सुनील ने सिरसा के आर्य विद्या मंदिर से पढ़ाई करी। इस टाइम पर सुनील बहुत चुलबुले और शरारती थे। उन्हें दूसरों की आवाज की नकल यानी मिमिक्री करना बेहद पसंद था, कभी अपनी टीचर्स की तो कभी अपने परिवार वालों की। वो हमेशा मिमिक्री करने की कोशिश करते रहते थे। इसके बाद उन्होंने गुरु नानक कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। वहीं पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। कई सालों तक थिएटर में काम करने के बाद उन्होंने जाने माने कलाकार जसपाल भट्टी के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुनील को देखते ही सुनील की क्षमता को पहचान लिया और सुनील को एक टीवी शो फुल टेंशन के साथ लॉन्च कर दिया। अब इस समय पर आकर सुनील ने स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ भी रुख करना शुरू किया। शुरुआत में उनका परिवार ये नहीं समझ सका कि सुनील वाकई में कॉमेडी से पैसे कमा सकते हैं, पर जब शुरुआत में सुनील को पहली पेमेंट मिली तो उनका परिवार भी उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगा। बता दूं कि ये पेमेंट उस टाइम पर सिर्फ 200 रुपए की थी। इन सब के बाद उन्होंने काफी समय तक स्ट्रगल करा और फिर एक दिन उन्हें रेडियो मिर्ची के लिए एक आरजे का काम मिला। यहाँ वो हंसी के फुहारे शो के जरिए लोगों को हंसाते थे। ये शो सुनील के लिए बेहद कारगर साबित हुआ। इसके लिए सुनील को बेस्ट आरजे का अवार्ड भी मिला। इसके बाद फिल्मी चैनल का शो चला हीरो लल्लन बनने में भी सुनील ने काम किया। इसके बाद भी सुनील ने कई शोज में काम किया जिनमें इंडिया के सबसे पहले साइलेंट शो गुटरगू भी शामिल है। इस समय पर सुनील ने आरती नाम की इंटीरियर डिजाइनर से शादी भी कर ली। शादी के बाद भी सुनील के करियर के लिए सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही सुनील ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में एंट्री ली तो यूं मानो कि सुनील एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडियन के तौर पर उभरे। उनका गुत्थी कैरेक्टर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। बता दूं, सुनील कलर्स चैनल के साथ एक एग्रीमेंट में लॉक्ड थे, तो जब उन्होंने एग्रीमेंट को रिन्यू कर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करी तो उन्हें कलर्स चैनल से अलविदा कहना पड़ा। अब सुनील ने मनीष पॉल के साथ मिलकर एक नया शो मेड इन इंडिया शुरू करा। ये डिसीजन सुनील के लिए बहुत गलत साबित हुआ। ये शो करीब 4 महीने चला और फिर बंद हो गया। और इस समय पर आकर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की टीआरपीज भी कम होने लगी। सब लोग बस यही चाहते थे कि सुनील वापस गुत्थी बनकर कलर्स चैनल पर आए और हमें फिर से एंटरटेन करे। पब्लिक डिमांड और किस्मत उन्हें वापस कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पर खींच लाई। शो फिर से हिट होने लगा। इसके बाद सुनील को कई मूवीज के ऑफर्स भी आए और वो मूवीज उन्होंने करी भी, जैसे गब्बर इज बैक, वैशाखी लिस्ट, कॉफी विद डी और भी कई। सुनील की कॉमेडी की खास बात यह है कि वो किसी भी कैरेक्टर के रोल को निभाते नहीं बल्कि जीते हैं, और इसी वजह से वो इतने परफेक्शन से परफॉर्म कर पाते हैं। फिर चाहे वो गुत्थी का रोल हो या डॉक्टर मशहूर गुलाटी का, सुनील किसी भी रोल में कोई कमी नहीं छोड़ते। आज वो अपने लंबे स्ट्रगल के बाद द कपिल शर्मा शो के लिए पर शो के 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये सुनील की मेहनत ही है जो उन्हें इतना ऊपर लेकर आई है। यार, अगर एक आदमी जिसकी पहली पेमेंट सिर्फ 200 रुपए की थी और आज वो एक दिन के 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो यार उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज का हाथ है और वो है उसकी मेहनत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंश्योर कर लीजिए कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें।